एटा जनपद की अलीगंज तहसील में आज भारतीय किसान यूनियन भानू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप का आगमन हुआ। उन्होंने यहां अपने सहयोगियों के साथ बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो शर्तें मंजूर करेगा उसी को सपोर्ट करेंगे। उनकी शर्तों में किसानों का कर्जा माफ हो, पुलिस वालों की हत्या होने पर उनके परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा देना और एक नौकरी मिले, साथ ही पत्रकारों की हत्या होने पर उनको भी 2 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मेरी मांग, किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों के कर्जे माफ कर दो, किसान दुर्घटना में मरे तो 1 करोड़ रुपया दो, यदि सिपाही जो आंतरिक सुरक्षा में लगे रहते पुलिस बल जैसे कानपुर में मरे थे 8 ऐसे मरे तो उनको पत्नी को बच्चों को 2 करोड़ दो। और ये जो आप पत्रकार, मैं नहीं कह रहा कौन पत्रकार क्या है, लेकिन जो संवाददाता बहुधा होते हैं वो चाहे कितनी भीड़ हो, चाहे युद्ध हो रहा हो, चाहे पाकिस्तान से लड़ाई हो रही हो, चाहे चीन से हो रही हो, वह बीच में घुस जाते हैं और एक गोला पड़ गया तो मर जाते हैं। तो ऐसे 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 ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता, उसको 4 करोड़ रुपये दिए जाए उसके परिवार। साथ ही राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि अफसरों के यहाँ किसानों की समस्या सुनना तो दूर, उल्टा किसानों को अपमानित किया जाता है, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इस मीटिंग में उपस्थित किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष संतोष यादव ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान किसान यूनियन के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।